ट्विंस माय वर्ल्ड के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माय वर्ल्ड। बैक टू पवेलियन, दिल्ली आ चुकी हूँ। कल रात में आई मैं, तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल था क्योंकि ये मैं घर पे, आप सोच ही सकते हैं मायके में कितनी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। अभी सब कुछ दोनों बच्चों को खुद ही संभालना पड़ता है, वो भी थोड़ा अस्त व्यस्त है। मैं यहाँ पर भी थोड़ा सा मैनेज करके चलती हूँ, लेकिन मुझे लगा कि आपके साथ भी बात करना मेरी एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, बिकॉज़ बहुत सारे सब्सक्राइबर मेरा वेट कर रहे थे और उनको इतना ज़्यादा वेट कराना मेरे लिए सही नहीं लगा। दोनों बच्चे सो गए हैं, रात के बज रहे हैं 12:30, और बच्चे काफ़ी देर तक जगे आज क्योंकि बहुत लेट से सोए थे। 12 बजे बच्चे सोए हैं। उसके बाद मैंने सोचा कि आपसे ज़रूर वीडियो की तैयारी करूँ। थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है, लेकिन मैं डेफिनेटली आपको ये वादा करती हूँ कि वीडियोज़ मैं रेगुलर बेसिस पे लाती रहूँगी। तो बहुत सारे ऐसे जो लोग थे, जो सब्सक्राइबर, जो जिन्होंने कमेंट किया था कि कौन सा ऐसा पोजीशन होता है प्लेसेंटा का, वो काफ़ी कौन सा बेटर होता है, कौन सा नहीं होता है। तो जैसा कि आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि प्लेसेंटा का पोजीशन होता है वो जो प्लान इम्प्लांटेशन होता है उसके बेसिस से होता है। जैसे कि अगर आपका फर्टिलाइज जो एग है, अगर वो आगे की तरफ अगर प्लांट हो जाए तो वो एंटीरियर प्लेसेंटा होता है। अगर पीछे बैक ऑफ द यूटेरस अगर हो तो वो पोस्टीरियर होता है। अगर साइड वाइज अगर हो, जैसे कि अगर यूटेरस के साइड में अगर हो तो वो लैटरल, और अगर टॉप में हो तो फंडू होता है। ये सब कुछ आप पहले से जानते हैं। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। और आज बहुत इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है कि पोस्टीरियर प्लेसेंटा जो होती है वो काफ़ी बेटर होती है क्या एंटीरियर से? तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर जिस तरह से जब भी प्लांटेशन हुआ, जब भी उसकी पोजीशन हुई, बेबी हेल्दी होना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। प्लेसेंटा का क्या पोजीशन है उससे ज़्यादा मैटर नहीं करता। अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो, जैसे कि प्लेसेंटा प्रीविया या फिर लो लाइंग प्लेसेंटा वगैरह अगर हो, तो वो ज़्यादा थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, बाकी और कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन हाँ, कुछ मामलों में पोस्टीरियर प्लेसेंटा को बहुत अच्छा माना जाता है। बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं, बट थोड़ा सा एंटीरियर से बेटर माना जाता है। बिकॉज़ अगर पोस्टीरियर प्लेसेंटा है तो बेबी की मूवमेंट जो होती है ना, काफ़ी ज़्यादा पता चलती है। तो जो लेडीज़ जो माँ बनने वाली हैं या फिर जो जो पहले प्रेगनेंसी से गुजर चुकी हैं, उनको ये अंदाज़ा होगा कि ये जो बेबी का मूवमेंट होता है वो एक प्रेगनेंसी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सुखद एहसास कह सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छा ये रहता है। तो अगर मूवमेंट की बात की जाए तो बच्चे की जो प्रॉपर मूवमेंट होती है उसका पता पोस्टीरियर प्लेसेंटा में ज़्यादा पता चलता है, क्योंकि अगर प्लेसेंटा बैक के साइड में रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि बेबी आपका आगे रहेगा टमी के साइड में। तो बेबी कोई भी हलचल करता है, या तो अगर समर सॉल्ट करे, किक्स मारे, या फिर उसकी जो भी हरकतें हो, अगर वो अपने केहनू कैसे मारता है या थोड़ा सा समर सॉल्ट करता है, तो वो सारी जो हरकतें होती हैं ना, वो माँ बहुत अच्छे से समझ पाती है। लेकिन अगर प्लेसेंटा, आप इमेजिन कर लो कि अगर प्लेसेंटा फ्रंट साइड में है, तो इतना लेयर तो पहले आपका पेट का वो प्लेसेंटा ही रहेगा, तो उतना ज़्यादा मूवमेंट फील नहीं होता है, जिससे कुछ जो महिलाएं हैं वो थोड़ी थोड़ी वंचित रह जाती हैं। ऐसा होता नहीं है, लेकिन मूवमेंट होती है, उस समय भी फील होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन पोस्टीरियर में थोड़ा ज़्यादा फील होता है, बस यही डिफरेंस है। इसलिए कौन सा बेटर है, कौन सा बेटर नहीं है, इसका मतलब कुछ नहीं। बस बेबी हेल्दी होना चाहिए, मॉम हेल्दी होनी चाहिए, उसके बाद आपकी पूरी प्रेगनेंसी हेल्दी होनी चाहिए, नो मैटर कि आपका प्लेसेंटा का पोजीशन क्या है। तो होप आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी तरह की क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रेंड्स माई वर्ल्ड।